Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your science lecture. So take out your science books and workbooks and open page number 16 of your science books. Today we will do our last topic of chapter number 1, which is urinary system. So let's start. Open book page number 16. The urinary system makes sure that you have the right amount of water in your body and removes waste materials in liquid form. In the urinary system hai, uska function kya hai aapki body mein? Ki aapki body mein jo water contents hai, wo right amount mein present hai and it removes waste materials in liquid form. Yani ki jo aapki body mein jitna bhi waste material hai, jo aap khana khate hai, jo undigested ya waste food hai, वो आपकी बॉडी से जो बाहर निकलता है लिक्विड फॉर्म में वो किसका फंक्शन है? दैट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम. द यूरिनरी सिस्टम हैज फोर मेन पार्ट्स एंड दीज आर: नंबर 1 इज किडनी, नंबर 2 इज यूरेटर, नंबर 3 ब्लैडर एंड नंबर 4 इज यूरेथ्रा. सो रिपीट आफ्टर मी: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. So let's start with number 1. Your body has two kidneys and they act as filters. यानी कि आपकी body है उसमें दो kidneys present होती है, as you can see in this picture. So this is the urinary system, starting from kidneys and ending till urethra. So as human body has two kidneys, और वो किस तौर पर काम करती है? Filters के तौर पर. यानी कि आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी खाना जाता है, खुराक जाता है, उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है और जितना भी लिक्विड आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता, वो क्या होता है, आपकी किडनी जो है उसको फिल्टर करके, यानी उसमें से साफ चीज़ों को निकाल के जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है. एज द ब्लड ट्रेवल्स अराउंड योर बॉडी, इट पिक्स अप टॉक्सिन्स दैट आर बैड फॉर योर बॉडी. सो टॉक्सिन्स कहते हैं हार्मफुल केमिकल्स को. टॉक्सिन्स मीन्स हार्मफुल केमिकल्स, यानी ऐसे चीज़ें, ऐसे केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड टॉक्सिन. सो जो आपका ब्लड है वो क्या करता है, आपकी जब फुल बॉडी में रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करता है, वो आपकी बॉडी से ऐसे केमिकल्स जो हार्मफुल हैं उनको लेकर क्या करता है, बॉडी से बाहर लेके आता है. इफ़ दीज टॉक्सिन्स रिमेन इन योर बॉडी यू वुड बिकम वेरी इल. और अगर ये जो केमिकल्स टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहें तो आप बीमार हो सकते हैं. द जॉब ऑफ द किडनीज इज़ टू रिमूव द टॉक्सिन्स एज द ब्लड पासिस थ्रू देम. यानी कि जब आपकी किडनीज में से ब्लड पास होगा तो किडनीज क्या करेगी, आपके खून को साफ करेगी. कैसे? उन टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी. यानी जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या वेस्ट मटीरियल्स हैं, किडनीज क्या करती हैं, आपके ब्लड में से उनको निकाल देती है. The toxins and other waste products are turned into urine and sent to the ureters. यानी कि जो वेस्ट केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, और जो दूसरा यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जितने भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो किस में टर्न हो जाते हैं? यूरिन में. यानी जो आपकी बॉडी से लिक्विड एक्सक्रीट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूरिन. तो जो आपकी किडनी से जो यूरिन है यानी वेस्ट मटीरियल है, वो यहाँ से पास होता हुआ कहाँ चला जाएगा? यूरेटर में. So these are the tube-like structures. This is called ureter. Now your body has two ureters. यानी आपकी body में जैसे दो kidneys हैं वैसे ही दो ureters हैं, as you can see in this picture. These are two ureters. They are tubes that transport the urine from the kidneys to the bladder. यानी ये ऐसी tubes हैं जो आपकी kidney और bladder को join करती हैं. Your bladder stores your urine until you need to go to the toilet. Now, the third organ of urinary system is your bladder. As you can see in this picture, this is your blood. So your bladder stores your urine. यानी जो bladder है उसका function क्या है कि आपकी urine को, यानी जो liquid waste है आपकी body में, आपकी bladder में store करना, until you need to go to the toilet. यानी कि जब तक आप washroom में जाके excrete नहीं करते, तब तक जो आपका वेस्ट लिक्विड है वो कहाँ स्टोर होता है? इन योर ब्लैडर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द यूरिनरी सिस्टम.